The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022, श्री श्री आपके लेटर का जवाब जा चुका माननीय, प्लीज 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 माननीय सदस्य प्लीज टेक योर सीट्स। मैं क्लियर करना चाहूंगा, माननीय संजय जी का पत्र मिला था, माननीय चेयरमैन के यहाँ से उनका जवाब भी गया, अभी एक पत्र चेयर को मिला हमारे सदस्य माननीय गोयल जी से। दोनों लोगों ने सवाल उठाया है कि बिल के इंट्रोडक्शन यहाँ नहीं हो सकता। दरअसल बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ कंसिडरेशन और पासिंग के लिए आया है। प्लीज प्लीज नंबर वन, मैं लेट मी कंप्लीट। नंबर सेकंड, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर वो हाउस तय करेगा। ये एस्टेब्लिश परंपरा है, जब से आपकी संसद काम कर रही है देयर आर इन नंबर ऑफ रूलिंग्स। मैंने खुद इस पर डिटेल में रूलिंग दी है, रूलिंग से भरे पड़े हुए प्रेसिडेंट, कि हाउस तय करेगा, आप डिस्कशन से तय करेंगे, या आपको स्वीकार करना है और उसके लीगल स्क्रूटनी का आप सवाल उठाते हैं तो जुडिशरी तय करेगा, नॉट चेयर। चेयर को अधिकार नहीं। श्री अमित शाह टू मूव, नो परमिशन, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। श्री अमित शाह टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी बोलना चाहेंगे आप जी। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे चर्चा का यहाँ पर बिल पेश करने का मौका दिया है। महोदय, ये बिल जो मैं लेकर आया हूँ, ये राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकरण के उद्देश्य से लाया गया बिल है। मान्यवर, दिल्ली का कुल क्षेत्र लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है। एनडीएमसी और दिल्ली कैंट को छोड़कर पूरे दिल्ली की सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी ये तीन नगर निगमों की है। और एनडीएमसी और कैंट के इलाकों को छोड़ देते हैं तो लगभग 1484 में से 1400 वर्ग किलोमीटर, लगभग 95% क्षेत्र, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम के ये तीन बांटे गए निगमों की है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी ये सिविक सेवाओं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। मैं ये इसलिए बताता हूं कि इसी से तीनों नगर निगमों का सुचारू रूप से काम करना कितना महत्वपूर्ण है वो स्पष्ट हो जाता है। राजधानी के अंदर ही राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, ढेर सारे देशों के राजदूतों के निवास, उनके कार्यालय, और जब भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के आते हैं तो राजधानी की उनकी मुलाकात बहुत स्वाभाविक बनती है। उस स्थिति में राजधानी की सिविक सेवाओं का महत्व और बढ़ जाता है। वो सुचारू रूप से चालू रहे, वो नागरिकों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए और देश के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। माननीयवर, इस संशोधन जो मैं लाकर आया हूं उस पर बाद में सभी सभासदों से इनके विचार सुनने के बाद मैं जवाब दूंगा। उसके पहले मैं इसका एक इतिहास बताना चाहता हूं। माननीयवर, 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत ये नगर निगम काम करता था। 1957 में एक कानून के द्वारा दिल्ली का म्युनिसिपल प्रशासन एस्टेब्लिश किया गया। उसके अंदर 1993 में और 2011 में इसको अमेंड किया गया और 2012 में
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम लाकर दिल्ली नगर निगम को 3 निगम निकायों में बांट दिया गया, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। और बांटने के कारण को भी मैंने गृह मंत्रालय में बहुत खंगाला है, मगर किसी भी फाइल पर कोई कारण उपलब्ध नहीं हुआ। एक प्रकार से आनंद फानन में बिल लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया वो तो जो लाए हैं वो ही बता सकते हैं, परंतु रिकॉर्ड पर इसके कोई उद्देश्य उपलब्ध नहीं है। माननीय 10 साल हो गए, जो अनुभव आया है ये अलग प्रकार का है। स्वाभाविक रूप से जब ये निगम बांटे गए होंगे, बंटवारा हुआ होगा, उद्देश्य अच्छा ही होगा, सेवाओं के सुधार का होगा, दिल्ली की सिविक सेवाएं और मजबूत हो वो होगा, परंतु परिणाम ऐसा नहीं आया। और परिणाम ऐसा ना आने के कारण क्या है, इसमें 4 मुख्य कारण नजर में आए हैं। एक तो तीनों नगर निगमों द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही है वो अलग अलग है, तो एक ही शहर में नीतियों की दृष्टि से एक वाक्यता नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों नगर निगमों को जब बांटा गया तब उसके वित्तीय संसाधन और दायित्व का ठीक से आकलन नहीं किया गया। मैं सभी रिकॉर्ड देखकर जिम्मेदारी के साथ इस सदन को बता सकता हूं कि 2 नगर निगम तो वित्तीय रूप से सस्टेन ही नहीं हो सकता, इस प्रकार से उसका बंटवारा किया गया। अब जब वित्तीय रूप से सस्टेन नहीं हो सकते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको टैक्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नीतियों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को रोज चलाना है। तो एक ही शहर में अलग अलग प्रकार के नीति नियमों से तीनों निगम चलते हैं। कार्मिकों की सेवा की स्थितियों में भी असमानता है, इसके कारण बहुत गहरा असंतोष तीनों निगम के कार्मिकों के बीच में है। और मैं कहना चाहूंगा मान्यवर कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। और चौथा कारण भी कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से। संजय जी, आपको चेयर से अनुमति है, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही, आप क्यों बोल रहे हैं, प्लीज आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, आप बिना अनुमति के चेयर से ना बोलें प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, स्वाभाविक है उनका विरोध, और मैं भी अपेक्षा करता हूं ऐसा ही होगा, करना भी चाहिए उनको, परंतु जब मैं बोलता हूं तो मैं इसके ठोस कारण दूंगा। और मेरा इनसे विनंती है कि वो भी जवाब में बताएं कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं किया है। मैं आंकड़ों के साथ इस सदन के पटल पर रखूंगा, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य से अगर राज्य की सरकारें स्थानीय निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो ना पंचायती राज सफल होगा, ना अर्बन डेवलपमेंट के सारे निकाय सफल होंगे। इसको राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर जिसका जो अधिकार बनता है वो देना पड़ेगा। हम भी कई सारे राज्यों में सत्ता में हैं, कई सारे राज्यों में अलग विचारधारा की अलग पार्टी की नीचे सत्ता है, कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कई जिला पंचायत में, कई म्युनिसिपालिटी में, कहीं पर भी हमने ऐसा व्यवहार नहीं देखा है। मान्यवर, मैं 16 साल की आयु से सार्वजनिक जीवन में, ढेर सारे आंकड़े मैंने भी स्टडी किए हैं, मगर मैं जब आंकड़े बताऊंगा मैं चाहता हूं कि जिसको भी उस पर ऑब्जेक्शन हो मेरे स्टेटमेंट पर, वो सभी ने वास्तविकता सदन के पटल पर रखनी चाहिए। और इसके कारण लगभग 250 से ज्यादा बड़ी हड़तालें हुई है, मान्यवर 250 से ज्यादा। इसके पहले के 10 साल ले लेते हैं तो 2 बड़ी हड़ताल। क्यों, क्या हो गया, 10 साल के 2 अंतराल में कहां 2 हड़तालें,
और कहा 250 हड़तालें, क्या हुआ है? प्लीज प्लीज मान्यवर, मगर 15 साल से राज्य सरकार हमारी नहीं थी, प्लीज ये 10 साल से ही प्रॉब्लम हुआ है। आप संजय, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप बिना अनुमति के ना बोले प्लीज, बीच में इस तरह से आप प्लीज कट कर आप बात कर रहे हैं कहने के लिए 15 साल में तो हम है थे ही, अगले 5 साल में हड़ताल नहीं पड़ती थी। आप पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करने के कारण ये हड़तालों की संख्या बढ़ी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने संजय आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, मान्यवर बिना चेयर की अनुमति के ना बोले प्लीज, वो हल्ले से प्लीज 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 बैठ बैठ नहीं आलो प्लीज 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 प्लीज, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपकी, प्लीज कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपकी, प्लीज प्लीज प्लीज, धन्यवाद माननीय मंत्री जी प्लीज। मान्यवर आलोचना करने के लिए तो गृह होता है, आलोचना का अधिकार जिनका इतना है उतना ही मेरा है, मैं कर सकता हूं, आप जवाब भी दे सकते हैं, मगर बीच में टोका टोकी से नहीं दे सकते। प्लीज आपकी पार्टी को जो समय मिला है उसमें तथ्यों के साथ बताइएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा और मैं बाध्य हूं उसका जवाब देने के लिए। मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है, कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है, आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववर्त सिटी बहाल की जाए, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। बहुत सारे सदस्यों ने संशोधन भी रखे हैं, मैंने ध्यान से पढ़े हैं, मैं इसका डिटेल जवाब भी बाद में दूंगा, मगर पहले एक बार मेरा सभी से अपील है कि पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर सभी लोग मेरिट्स में चर्चा करें, हमारे खिलाफ भी आप जरूर बोल सकते हैं, आराम से बोलिए, कोई चिंता का विषय नहीं, और मैं हर बात का जवाब भी दूंगा, परंतु बाद में मेरा जवाब भी सुनना चाहिए। धन्यवाद। मोशन मूव, देयर आर टू अमेंडमेंट्स बाय श्री जॉन ब्रिटास एंड श्री सुखेंदु शेखर रॉय फॉर रेफरेंस ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 एज पास बाय लोकसभा टू ए सेलेक्ट कमिटी ऑफ द राज्यसभा। मेंबर्स में मूव देयर अमेंडमेंट्स एट दिस स्टेज विदाउट एनी स्पीच। श्री जॉन ब्रिटास, आर यू मूविंग? सर, आई एम मूविंग बिकॉज इट हैज बीन ब्रॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। या माननीय सुखेंदु शेखर रॉय जी, आर यू मूविंग? नॉट मूव, द मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल एंड द अमेंडमेंट्स मूव्ड देयर टू आर नाउ ओपन फॉर डिस्कशन। अभिषेक मनु सिंघवी जी, ऑनरेबल चेयर सर, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ